निकालेंगे या फिर आपको एक टैबलेट पर डे दे देनी है तो एक महीने की या दो महीने की टैबलेट आप कैसे डिटरमाइन करेंगे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं वेट एंड मेज़र से मतलब क्या है वेट मतलब ग्राम मिलीग्राम इस टाइप की वजन वाली जो चीज़ है उसको हम वेट में कंसिडर करते हैं और मेज़र्स का मतलब जब हम एम में कोई चीज़ मेज़र करते हैं लिक्विड हुआ सॉल्वेंट हुआ जो मिक्स करते हैं टैबलेट बनाते समय उसको हम मेज़र्स बोलेंगे तो ये सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र्स में मोस्टली जो इम्पीरियल सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम दो ऐसे सिस्टम हैं जिसके अकॉर्डिंग वेट और मेज़र्स जो है वो डिफ़ाइन होता है इम्पीरियल सिस्टम जो है वो बहुत प्रिमेटिव था यानी उस आज उसका यूज़ काफ़ी कम होता है कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये चलता है अभी भी बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो पॉपुलर है जो सिस्टम वो है मेट्रिक सिस्टम जिसमें सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम एम ये सारी चीज़ें आती हैं इम्पीरियल सिस्टम में गैलन्स ये सारी चीज़ों से डिफाइन किया जाता है तो हम इसी के बारे में आज ये चैप्टर देखेंगे और ये चैप्टर हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम में बैठेंगे एग्जाम देंगे तब तक ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमरिक क्वेश्चन आते हैं आप लैब में जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के बिना आपका एक भी प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि आपको वेट मेज़र करना पड़ेगा डिटरमाइन करना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल और लैब के अकॉर्डिंग उसको ईजी वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रही बात प्रोफेशनल वे की कि, कि जब आप अपने आ, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जब आप आ, अपने प्रोफेशन को वर्क करेंगे उसमें तो ये कहीं ना कहीं आपको यूज होगा ही और आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल है सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टूडेज प्रैक्टिकल सॉरी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन बिफोर डिस्पेंसरिंग ऑफ फार्मास शुड अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ कैल्कुलेशंस

मीन्स रेडीमेड ड्रग ही डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं बहुत रेयर जो होते हैं बोलते हैं अपने कंपाउंडर को कि यू कंपाउंड दिस ड्रग तो कंपाउंडिंग का पार्ट यानी आपको इंग्रेडिएंट को मिक्स करना एक फार्मूला तैयार करना फार्मूले में आपका एक्सीपियट होगा ड्रग होगी आपका बाइंडर डायलुवेंट लुब्रिकेंट ये सब चीज़ को मिक्स करके एक पाउडर बनाना या फिर टैबलेट बनाना उसको रैपर में पैक करना अलग अलग रैपर डे के हिसाब से कन्वर्ट करना ये सारी चीज कंपाउंडिंग में आती है डिस्पेंसिंग का मतलब जब आप अपनी ड्रग अपने पेशेंट को देंगे that is the part of dispensing so a pharmacist should, should understand the various types of calculation weight or measures ke calculations usko pata hone chahiye kya hote hain weight kaise determine karna hai kaise simple way mein usko extract out karna hai jisse ki aap aasani se apna calculation karke patient ko dawa de saken so it uh, pharmacist should have a thorough knowledge of weight and measurements हम देखेंगे कि कैसे weight और measurement को हम uh, डिटरमाइन करते हैं सो वेट इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स मास वेट का मतलब वजन होता है जो बांट हम बोलते हैं तराजू में रखते हैं वेट को एक किलोग्राम का दस किलोग्राम का वो वेट वजन को ही हम वेट से डिफाइन करेंगे जो हैवी जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मेज़र इट इज़ अ मेज़रमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस जब किसी लिक्विड को सॉल्वेंट को आपको मेज़र करना है मेजरिंग सिलेंडर आता है इसके लिए उसमें मार्किंग लगी होती है दस एम कितना है पाँच एम कितना है पीपेड्स आते हैं उसमें मार्किंग लगी होती है जिसको आप बॉटल से रिमूव करके अपने सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो इस टाइप के प्रोडक्ट को लिक्विड को जब हम मेजर करते हैं तो उसको मेज़र बोलेंगे देर आर टू सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेज़रमेंट दैट इज़ इंपीरियल सिस्टम एंड मेट्रिक सिस्टम इंपीरियल जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये प्रिमेटिव सिस्टम है और मैट्रिक सिस्टम हमारा रिसेंट चलने वाला सिस्टम है जिसमें सारे ड्रग्स के आ, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैट्रिक सिस्टम में ही होगी आपको प्रैक्टिकल्स भी मैट्रिक सिस्टम में ही परफॉर्म करना है सो so, सबसे पहले इंपीरियल सिस्टम होता क्या है इट इज एन ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बेस्ड ऑन आर्बिट्री अनरिलेटेड यूनिट्स लाइक ग्रेन्स ड्रैकम्स ओन्स एंड गैलन ये जो इम्पीरियल सिस्टम है काफ़ी पुराना सिस्टम है वेट और मेज़रमेंट का जिसमें हम अपने यूनिट को डिफाइन करते हैं ग्रेन से ड्रैकम से ओन्स से और गैलन से अभी ये चीज़ को रिप्लेस कर दिया गया है एम एल किलोग्राम मिलीग्राम सेंटीग्राम ये सारी चीज़ों से रिप्लेस किया है मेट्रिक सिस्टम में सो मेजर ऑफ वेट इन इम्पीरियल सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स फॉर द फर ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट एज वेट या वजन को मेजर करने के लिए इस इंपीरियल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया था जो एवोडिपोज सिस्टम और एपोथिकैरीज सिस्टम कहलाता है एवोडिपोज और एपोथिकैरीज में जो प्रोडक्ट हैं उनको वेट करने की यूनिट जो होती है वो अलग अलग होती है जैसे एवोडिपोज सिस्टम इट इज़ द सिस्टम ऑफ पाउंड द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर वेट किसी प्रोडक्ट को वज़न को मेज़र करने के लिए इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसको पाउंड से डिटरमाइन किया जाता है अभी भी आप केक वगैरह लेने जाएंगे तो वो पाउंड में मिलता है टू पाउंड का केक थ्री पाउंड का केक पाउंड यानी जो होता है हमारे किलोग्राम से लगभग वो आधा होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे यानी वो कन्वर्जन है पाउंड का किलोग्राम में ग्राम में तो हमारा एवॉडी सिस्टम जो है वो पाउंड को स्टैंडर्ड यूनिट मानता है वेट के लिए दे आर ऑल मेजर्स ऑफ मास मास को हम वेट बोलेंगे आर डिराइव फ्रॉम द इम्पीरियल सिस्टम दैट इज़ योर पाउंड पाउंड से डिफर डिटरमाइन करेंगे पाउंड को जो हम शॉर्ट फॉर्म में डिटर लिखते हैं यूनिट को उसको एल बी लिखते हैं वन एल बी या वन पाउंड इज इक्वल टू सिक्सटीन ओन्स और 16 ओन्स इसी का ही मेज़र है अवॉर्डिपॉइज सिस्टम का वन इक्वल टू सेवन थाउजेंड ग्रेन्स और वन इज इक्वल टू सेवन थाउजेंड अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू फोर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ग्रेन ये अवॉर्डिपॉइज सिस्टम का कैलकुलेशन है कैसे पाउंड को ग्रेन में कन्वर्ट किया जाता है इसके न्यूमरिक क्वेश्चन आते हैं आपको बुक में जब आप टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में ही ये क्वेश्चनस आते हैं पहला सिस्टम इम्पीरियल सिस्टम में था एवोडिपोइ उसका सेकेंड पार्ट है एपोथिकारीज एपोथिकरिज सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ग्रेन इन विच स्टैंडर्ड यूनिट इज यूज फॉर वेट एवोडिपोइज सिस्टम में आपका पाउंड जो था वो स्टैंडर्ड यूनिट था एपोथिकरिज सिस्टम में ग्रेन आपका स्टैंडर्ड यूनिट है वेट के लिए दियर फोर ऑल द मेजर्स ऑफ मास आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रेन यहां पर वेट को जिससे डिटरमाइन किया जाता है सिस्टम में वो एपोथिकारी सिस्टम होगा लुक एट हियर एग्जांपल 20 ग्रेन इज इक्वल टू वन स्क्रूपल और 60 ग्रेन्स इज इक्वल टू वन ड्रैकम 480 एटी ग्रेन्स इज इक्वल टू वन ओंस एट ड्रैकम इज़ इक्वल टू वन ओन्स ट्वेल्व ओन्स इज इक्वल टू वन पाउंड एंड फाइव सेवन सिक्स जीरो मीन्स फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी ग्रेन्स इज इक्वल टू वन पाउंड ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है कि एक ड्रैकम या एक पाउंड जो है वो इतने ग्रेन और ड्रैकम के ओन्स के बराबर होता है तो जब आप न्यूमरिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा वन ग्रेन ऑफ दिस सॉल्वेंट और मेज़र मीन्स पाउडर इज मिक्स इं टू द ट्वेंटी स्क्रूपल ऑफ दैट पाउडर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको ड्रैकम ग्रेन और स्क्रूपल की वैल्यू याद रहनी चाहिए कि एक ड्रैकम या एक स्क्रूपल कि, कितना होता है वॉट मेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट तब आप अपना न्यूमरिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इस चैप्टर से न्यूमरिक क्वेश्चन आते हैं थ्योरी थोड़ी कम आती है सो एब्रीविएशन यूज फॉर वेइंग वेइंग के लिए कौन कौन से एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं ये शुरू के लैटिन सिम्बॉल लैटिन टर्म थोड़े कम यूज होते हैं हम इंग्लिश नेम पे जाते हैं ग्रेन को जी आर से सिंबल uh, से डिटरमाइन करते हैं डिनोट करते हैं ये एक ग्रेन के इक्वल होगा स्क्रूपल ट्वेंटी ग्रेन के इक्वल होता है ड्रैकम जो होता है वो सिक्सटी ग्रेन के इक्वल होता है ओन्स फोर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव ग्रेन ओन्स अगर एपोथिकरी सिस्टम में देखेंगे तो फोर एटी होता है पाउंड सेवन थाउजेंड ग्रेन के आसपास होगा और एपोथिकरी सिस्टम में वो फिफ्टी सेवन हंड्रेड सिक्सटी ग्रेन के आसपास होगा अब क्या है कैपेसिटी यानी वॉल्यूम को मेजर करने वाला इम्पीरियल सिस्टम इम्पीरियल सिस्टम के दो पार्ट थे एपोथिकरीज और एवोडिपोइ एवोडिपोइ सिस्टम में आपका पाउंड जो था स्टैंडर्ड यूनिट था एपोथिकेरिस सिस्टम में आपका गैलन सॉरी ग्रेन जो था वो स्टैंडर्ड यूनिट था वेट यानी वजन हो गया अब मेज़र इंपीरियल सिस्टम में ही मेज़र के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे उसमें भी डिपोज एपोथिकेरिज पार्ट आते हैं मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इंपीरियल सिस्टम इन बोथ एवॉर्डिपोइ एंड एपोथिकेरिज सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट इज गैलन इन दोनों पार्ट में ही इंपीरियल सिस्टम के गैलन को स्टैंडर्ड यूनिट कंसिडर किया जाता है देआर फॉर ऑल अदर मेजर्स ऑफ कैपेसिटी आर डिराइव फ्रॉम गैलन वन गैलन इज इक्वल टू वन सिक्सटी फ्लुइडोन्स वन बाय फोर्थ ऑफ द गैलन इज इक्वल टू वन क्वार्स दैट इज फोर्टी फ्लुइडोन्स 1 8th of the gallon is 1 pint is equal to 20 fluid ounces and 1 of the gallon is equal to 1 fluid ounces 1 8th of the 1 fluid ounces is equal to 1 fluid drachm and 1 16th of 1 fluid drachm is equal to 1 minim 1 fluid ounce is equal to 480 minim and 1 fluid drachm is equal to 60 minim is called notebook में is डेली यानी मीन्स फ्रिक्वेंटली इसको पढ़ते रहेंगे तो आपको ये यूनिट याद हो जाएंगे कि एक ड्रैकम एक गैलन कितने क्वांटिटी के बराबर होता है एब्रीविएशंस इस सिस्टम में मेज़र के लिए वन मिनिम मिनिम इज इक्वल टू वन मिनिम जिसको एम से डिनोट करते हैं फ्लूड ड्रैकम इज इक्वल टू सिक्सटी मिनिम वन फ्लूड ओन्स इज इक्वल टू फोर एटी मिनिम क्वल टू वन एटी फ्लूड ओन्स ये इसका मेजरमेंट है मेजर का इंपीरियल सिस्टम में एवोर्डिपोइ और एपोथिकेरिज दोनों में ही गैलन जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है अब आपका आता है मेट्रिक सिस्टम मेट्रिक सिस्टम से पहले हमने जो पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने इम्पीरियल सिस्टम मैट्रिक सिस्टम दो टाइप के सिस्टम देखे जो वेट और मेज़र को कैलकुलेट करते हैं अगर हम पहले वाला सिस्टम इम्पीरियल सिस्टम की बात करें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एवोर्ड एपोथिकारीरीज़ एंड एवोडिपोइज़ज़ एवॉर्डिपोइज़ज़ जो हमारा पहला सिस्टम है उसमें पाउंड को हम यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं एपोथिकरीज़ में हम ग्रेन को स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं वेट के लिए और मेज़र की जब हम बात करें तो इन दोनों सिस्टम में गैलन्स को ही हम स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं इनके अलग अलग मेज़रमेंट होते हैं फ्लूड ओन्स ग्रैन्स ड्रैकम उनको हमें याद रखना है अब हम मोस्ट पॉपुलर सिस्टम मैट्रिक सिस्टम में आते हैं जो हमारा रिसेंट में चलता है ये सिस्टम सारे कैलकुलेशंस और जो भी आप प्रोडक्ट या ड्रग देखेंगे जो बिकते हैं मार्केट में उनके पीछे मैट्रिक सिस्टम में ही यूनिट लिखी होती है कि इतना ग्राम ये मिला है इतना मिलीग्राम ये मिला है ठीक है लैब में भी हमें इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है द मैट्रिक सिस्टम इज यूज इन इंडियन फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया हमने पढ़ी थी इंडियन फार्माकोपिया हमारी ऑफिशियल बुक है जो भारत सरकार के द्वारा प्रिंट की जाती है इंडियन फार्माकोपिया में सारे मोनोग्राफ्स ड्रग के होते हैं हर मोनोग्राफ एक ड्रग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने आप में रखता है कैसे उसे बनाएंगे उसकी टेस्टिंग क्या है उसका यूज क्या है साइड इफेक्ट क्या है वो सारी चीजें लिखी होती है तो इंडियन फार्माकोपिया में भी ड्रग के कैलकुलेशन को मेट्रिक सिस्टम में डिफाइन किया गया है इन मेट्रिक सिस्टम किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट वजन या मेजर को करने के लिए किलोग्राम को स्टैंडर्ड यूनिट हमारे मैट्रिक सिस्टम में माना गया है जैसे कोई भी वजन हम तराजू में करते हैं वो बाट जो आते हैं किलोग्राम के रहते हैं वो ग्राम या किलोग्राम के रहते हैं देयरफॉर ऑल द मेजर्स फॉर वेट आर डिराइव्ड फ्रॉम किलोग्राम मैट्रिक सिस्टम में अभी वेट चल रहा है ना मेजर हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे पहला जो है हमारा वेट है सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम वन डेका ग्राम इज इक्वल टू टेन ग्राम वन डेसी ग्राम इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन ग्राम वन सेंटीग्राम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन ग्राम वन डेसी ग्राम इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन ग्राम वन सेंटीग्राम इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट जीरो वन ग्राम वन मिली ग्राम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो वन ग्राम ये मेज़रमेंट हम लोगों ने ट्वेल्थ में भी और टेंथ में भी अपने समय में पढ़ा है बहुत ही कॉमन और सिंपल है इसको पुट करना बहुत आसान है वन माइक्रोग्राम इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सिक्स टाइम जीरो वन ग्राम वन ग्राम इज इक्ल टू थाउजेंड मिलीग्राम पॉइंट वन ग्राम इज इक्वल टू हंड्रेड मिलीग्राम एंड जीरो पॉइंट जीरो वन ग्राम इज इक्वल टू टेन मिलीग्राम एंड जीरो पॉइंट जीरो वन ग्राम इज इक्वल टू वन मिलीग्राम ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल है कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें और मोस्टली हमको मेट्रिक सिस्टम ही फॉलो करना है जो हमारे लिए काफ़ी आसान है हमने इसमें हमारी पूरी एजुकेशन जो प्री हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की हुई हो मैथमेटिक्स में मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही सारा मेजरमेंट और कैलकुलेशंस था तो कोई भी नया नहीं है हमारे लिए बट वी हैव टू पॉलिश आर इन्फॉर्मेशन आवर प्रीवियस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सो मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी इन द मैट्रिक सिस्टम इन मैट्रिक सिस्टम द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेज़र इज लीटर लीटर से इस सिस्टम में किसी भी प्रोडक्ट को आ, अभी हमने वेट के लिए देखा वेट के लिए किलोग्राम हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था मैट्रिक सिस्टम में अब मेज़र के लिए लिक्विड के लिए इसमें लीटर को ही स्टैंडर्ड माना जाता है सारे मेज़र्स जो होंगे वो लीटर्स में होंगे फिर शॉर्ट इसके जो होते हैं मिली लीटर एम जो भी हम कन्वर्ट करेंगे वो लीटर से होकर ही जाएगा वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड एम या मिली लीटर कन्वर्जन ऑफ इम्पीरियल एंड मेट्रिक सिस्टम न्यूमरिक क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपको जो इम्पीरियल सिस्टम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेट्रिक सिस्टम में उसका आंसर चाहते हैं सो इंटर कन्वर्जन ऑफ इम्पीरियल एंड मेट्रिक यूनिट्स वेट मेजर्स वन ग्राम इज़ इक्वल टू सिक्सटी फोर पॉइंट एट मिली या सिक्सटी फाइव मिली हम प्रैक्टिकल परपसेज के लिए इसको कंसिडर करते हैं वन ग्राम इज इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री ग्राम इज इक्वल टू फिफ्टीन ग्रेन वन मिलीग्राम इज इक्वल टू वन बाय सिक्सटी ग्रेन एंड वन किलोग्राम इज इक्वल टू टू पॉइंट टू पाउंड यानी जो हमारा एक किलो होता है वो दो पाउंड के आसपास सवा दो पाउंड के आस पास होता है सो कैपेसिटी ऑफ मेजर्स के हम कैसे कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी मेजर्स में वन ड्रॉप वन ड्रॉप इज इक्वल टू वन मिनिम दैट इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एल फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपजेज एक जो ड्रॉप होता है वो वन मिनिम के इक्वल होता है अगर हम एम एल में देखेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एल होती है वन फ्लू डोज इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव सेवन एम एल इज इक्वल टू थर्टी एम एल वन एम एल इज इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट टू थ्री मिनिम दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन मिनिम वन लीटर इज इक्वल टू थर्टी थ्री पॉइंट वन फ्लूड ओन्स और वन फ्लूड रैकम इज़ इक्वल टू फोर एम एल वन फ्लूड ओन्स इज इक्वल टू थर्टी एम एल वन एम एल इज़ इक्वल टू फिफ्टीन मिनिम एंड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एल इज़ इक्वल टू वन मिनिम फाइव हंड्रेड एम एल इज़ इक्वल टू वन पिन टेन थाउजेंड एम एल इज़ इक्वल टू वन क्वार्स ये मेज़रमेंट है हमारे मेट्रिक सिस्टम में किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट को मेज़र करने का आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम होगी कोई क्वेश्चन है या स्लाइड प्रॉपर नहीं दिख रही होगी तो आप लोग मैसेज करना क्योंकि मैंने ईयरफोन नहीं लगाया है मैंने सिर्फ माइक लगाया है तो मैं आपका मैसेज पढ़ के रिप्लाई करूँगा ग्रुप में यानी इसी में ही गूगल मीट में ठीक है सो ये हमारा कैपेसिटी मेज़र्स है जिसमें हम वॉल्यूम को आ, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं देन है हमारा डोमेस्टिक मेजर डोमेस्टिक मेज़र का मतलब बहुत ही कॉमन जो हम घर में या अपने डेली पर्पसेज डेली यूजेज में जैसे व एक चम्मच ये ले लो एक कप ये ले लो कोई भी रेसिपी बनाते समय तो ये डोमेस्टिक मेजरस है जो मैट्रिक सिस्टम का ही पार्ट है वन ड्रॉप इज इक्वल टू वन विनिम दैट इज़ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स एम एल वन टी स्पून फूल इज इक्वल टू वन फ्लूड रैकम दैट इज इक्वल टू फोर एम एल प्रैक्टिकल के लिए एक आउट ऑफ वैल्यू हम ले लेते हैं जैसे राउंड फिगर क्या होगा इसका So one dessert spoonful, two fluid drachm is equal to eight mL. One tablespoonful is equal to four fluid drachm that is equal to sixteen mL. Two tablespoonful, that is equal to eight fluid drachm or thirty-two mL. One wine glass full is two fluid ounces, that is equal to sixty mL. One tea cup spoonful, four fluid ounces is equal to one twenty mL, and one tumbler. ज टम्बल फोर इज इक्वल टू एट फ्लूजो इज इक्वल टू टू फिफ्टी एम एल ये हमारा मेजरमेंट और कैलकुलेशन है जो आपको काफी बार थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आप न्यूमरिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से हमारे न्यूमरिक क्वेश्चन शुरू होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पुट किए हैं स्लाइड में ताकि हम इसको समझ पाएंगे परसेंट निकालना परसेंट निकालना बहुत ही कॉमन और बहुत ही सिंपल एंड फ्रिक्वेंटली यूज मैथड है आप को परसेंट काफ़ी बार निकालने पड़ेंगे अपने लैब में भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय या फिर जब आपको रिजल्ट लिखना होगा कि कितने परसेंट आपका प्रोडक्ट एक्टिव है एक्सट्रैक्ट वैल्यू क्या है सो so, परसेंट में क्या होता है द नंबर ऑफ पार्ट्स पर हंड्रेड कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शनल अ डेसीमल और अ रेशो हंड्रेड फ्रैक्शन परसेंट का मतलब हम समझते हैं जो भी चीज़ हंड्रेड में हो चाहे वो हंड्रेड फ्रैक्शन में आए डेसिमल में आए या रेशो के फॉर्म में हम उसको डिफाइन करें बट पार्ट जो होंगे उसमें हंड्रेड पार्ट मिले होंगे परसेंट मींस पर हंड्रेड hundred और हंड्रेड ऐसा डिफाइन करते हैं इसको सिंबल परसेंट से डिफाइन करेंगे यूजुअली ग्राम पर हंड्रेड एम एल सोल्यूशन वन परसेंट का मतलब होता है एक ग्राम आपका ड्रग निन्यानवे एम एल पानी में मिला हुआ है दैट इज यन परसेंट कंसेंट्रेशन ये हमेशा याद रखना एक पार्ट जब नाइन्टी नाइन में मिक्स होगा वन परसेंट बोलेंगे तो वन ग्राम आपकी ड्रग है और हंड्रेड एम एल आपका जो है वो वाटर है या कोई भी एक्वस सोल्यूशन है कोई भी प्रोडक्ट है ये चीज ध्यान रखेंगे थर्टी परसेंट इज इक्वल टू थर्टी पार्ट इन टोटल ऑफ हंड्रेड पार्ट और उसको हम कैसे लिख सकते हैं थर्टी रेशो हंड्रेड और जीरो पॉइंट थ्री जीरो जिसको डेसिमल में लिखेंगे या हम उसको रेशो में लिखना जाए तो थर्टी अपॉन हंड्रेड और फ्रैक्शनल में थर्टी इज टू हंड्रेड ऐसा हमारा अलग अलग मेजरमेंट होगा बट परसेंट की बात जहाँ भी आएगी तो उसमें हंड्रेड से हम उसको डिफाइन करेंगे परसेंट इन द फार्मेसी परसेंट स्ट्रेंथ आर यूज टू डिस्क्राइब इंट्राविनस सोल्यूशंस एंड टॉपिकली अप्लाइड ड्रग्स जो भी हम इंट्राविनस ड्रग देते हैं या टॉपिकली स्किन पर अप्लाई करते हैं कोई भी प्रोडक्ट उसको परसेंट से अप्ला डिफाइन करते हैं कि कितना परसेंट ड्रग देने या कंसंट्रेशन कितना है हमारी ड्रग का स्ट्रेंथ कितना है द हायर द परसेंटेज ऑफ डिजोल्ड सब्सटेंसिज द ग्रेटर इज़ द स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा हमारा डिजॉल्ड सब्सटेंस ज़्यादा होगा हमारे प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ जो होगा उसकी कैपेसिटी जो होगी उतनी हाई होगी वन परसेंट सोल्यूशन कंटेंस वन ग्राम ऑफ ड्रग इन हंड्रेड एम एल ऑफ लुइड इसको और कैसे लिख सकते हैं वन इज़ टू हंड्रेड लिख सकते हैं वन अपॉन हंड्रेड लिख सकते हैं और जीरो पॉइंट ज़ीरो वन से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंट वैल्यूज परसेंट की वैसे ही है जो अभी हमने देखा 45 परसेंट को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शनल डेसिमल और रेशो के फॉर्म में जैसा हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हम वैसा आंसर देंगे कन्वर्टिंग अ रेशो टू अ परसेंट ये कॉमन है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर ये से इधर उधर पुट करना जानते हैं हम डेसिग्नेट द फर्स्ट नंबर ऑफ द रेशो एज द न्यूमरेटर एंड सेकेंड नंबर एज द डिनोमिनेटर मल्टीपल मल्टीप्लाई the फ्रैक्शन by 100 परसेंट as needed and एंड मल्टीप्लाइंग number नंबर ऑफ फ्रैक्शन 100% does परसेंट डज नॉट चेंज 100% वैल्यू हंड्रेड परसेंट से डिवाइड करके 100 परसेंट से आप इनटू कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती जैसे कि यहाँ देखिए फाइज टू वन रेशो में दिया हुआ है <coughs> इसको हम परसेंट में अगर लिखना चाहेंगे फाइव टू वन इंटू हंड्रेड परसेंट दैट इज़ फाइव इंटू हंड्रेड परसेंट एंड दैट इज़ इक्वल टू फाइव हंड्रेड परसेंट वन इस टू फाइव को हम अगर डिफाइन करेंगे इन टू हंड्रेड परसेंट करेंगे तो हंड्रेड अपॉन फाइव आ जाएगा ये दैट इज ट्वेंटी परसेंट एंड वन इज टू टू अगर रेशो किसी को बोलते हैं तो उसमें पचास परसेंट ड्रग या पचास एम एल पानी ऐसा मिला हुआ है ऐसा हम कंसिडर करेंगे कन्वर्टिंग अ परसेंट टू अ रेशो चेंज द परसेंट टू अ फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग इट बाय हंड्रेड ये हमको बहुत ही सिंपल है चाहे हम हंड्रेड को ऊपर इंटू करें नीचे डिवाइड करें तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू लेना चाहते हैं वो आसानी से डिटरमाइन हो जाएगी ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जैसे टू परसेंट को टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड अपन लिखते हैं टू बाय हंड्रेड लिखेंगे तो वन बाय फिफ्टी आएगा उसको रेशो में फिर लिखेंगे तो वू फिफ्टी टेन परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ये बहुत कॉमन चीज़ है कन्वर्टिंग अ परसेंट टू अ डेसिमल डिवाइड बाय हंड्रेड परसेंट और इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट टू प्लेसेस टू द लेफ्ट टू द लास्ट नंबर इंसर्टिंग जीरो अगर नीचे आप हंड्रेड से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर दो जीरो आप आगे बढ़ा देंगे ये सिंपल सा लॉजिक है वी नो दैट वैसे मल्टीप्लाई अगर हंड्रेड से करेंगे तो आप आगे राइट हैंड साइड में फिर दो जीरो से इन डिवाइड करेंगे जैसे फोर परसेंट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फोर फिफ्टीन परसेंट जीरो पॉइंट वन फाइव एंड टू हंड्रेड परसेंट इज इक्वल टू टू ये कॉमन सिंपल सी थिंक है फोर डिवाइडेड बाय हंड्रेड परसेंट अगर हम करेंगे जीरो पॉइंट जीरो फाइव वैल्यू आती है डेसिमल में अगर हम जाएंगे जीरो पॉइंट टू फाइव को ट्वेंटी फाइव परसेंट बोलेंगे वन पॉइंट थ्री फाइव को इंटू हंड्रेड कर देंगे तो वन थर्टी फाइव हो जाएगा सब में इन टू हंड्रेड कर देंगे तो दो जीरो जो है वो आगे बढ़ जाते हैं नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डेंसिटी और मास पे बेस्ड है अभी तक हमने परसेंट बेस्ड न्यूमरिक क्वेश्चंस के बारे में देखा जिसमें 100 परसेंट डिटरमाइंड करने के लिए हमें रेशो फ्रैक्शनल डेसिमल में कैसे हम अपना आंसर लिख सकते हैं अब डेंसिटी की हम बात करें डेंसिटी इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये हमको पता है वेट अपॉन तो मास को वेट हम बोलते हैं डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम पर वॉल्यूम में कितना हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसको हम मास से या वेट से डिफाइन करेंगे Uh, जिसको डेंसिटी बोलेंगे इट हैज़ द यूनिट ऑफ मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम से हम डिफाइन करते हैं और जब वेट हम निकालेंगे तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन एयर टू दैट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी वो रेशो होती है मास का और इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का अगर वेट अपॉन वॉल्यूम हम लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट की ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी होगी इन मैट्रिक सिस्टम बोथ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर न्यूमेरिकली इक्वल जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं वही हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होती है वो वैल्यू सो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एग्जांपल देखेंगे अपन द वॉल्यूम ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ ग्लिसरीन हमको निकालना है कि 2 किलो ग्लिसरीन में कितना वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट है द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज़ 1.25 ग्राम पर एम तो हम वॉल्यूम को हम निकालेंगे तो वेट लिखेंगे उसका वेट है हमारा 2 किलोग्राम और डेंसिटी है 1.25 ग्राम सो हमारी वैल्यू आएगी 1600 हंड्रेड एम एल सिक्सटीन का हमारा प्रोडक्ट है जिसमें 2 किलोग्राम ग्लिसरीन और जिसकी डेंसिटी है वन ग्राम पर एम सेकेंड क्वेश्चन इन्हीं में कैलकुलेट द वेट ऑफ 200 हंड्रेड एम एल ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्कोहल इज जीरो ग्राम पर एम एल सो वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगी ये फॉर्मूला जो है ये अपॉन नहीं आएगा इंटू आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सो टू हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट एट दैट इज 163.2 ग्राम के आसपास हमारा ये वैल्यू होगी वी कैन करेक्ट इट हियर ओके तो ये हमारे डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड जो है वो फॉर्मूला था नाउ एल्कोहलिक डाइल्यूशंस अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं हमारे एल्कोहलिक डाइल्यूशंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ईजी वे में कैल्कुलेट द अमाउंट ऑफ नाइन्ाइव परसेंट अल्कोहल रिक्वायर टू प्रिपेयर फोर हंड्रेड एम एल ऑफ़ फोर्टी फाइव परसेंट एल्कोहल जो हमारा अल्कोहल है उसका अमाउंट डिटरमाइंड करना है जिसकी स्ट्रेंथ नाइन्टी फाइव परसेंट दी हुई है जिसको फोर हंड्रेड एम एल बनाने के लिए फोर्टी फाइव परसेंट एल्कोहल उसमें ऐड करना पड़ता है सो so, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 400 हंड्रेड एम एल चार सौ एम एल का वॉल्यूम हमको चाहिए इसमें परसेंट ऑफ एल्कोहल हमको कितना चाहिए 45 परसेंट और परसेंट ऑफ एल्कोहल यूज जो हुआ है वो 95 परसेंट है तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल का जो प्रोडक्ट बनेगा उस वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल टू बी यूज जो हमें यूज करना है दैट इज इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड फोर हंड्रेड की एम एल की हमको जरूरत है परसेंटेज कितना चाहिए उसका फोर्टी फाइव परसेंट हमको चाहिए और परसेंटेज जो हमने यूज़ किया है वो नाइन्टी फाइव है तो फोर हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन्टी फाइव दैट इज इज इक्वल टू थर्टी सिक्स हंड्रेड अपॉन नाइनटीन सो वन एटी फोर पॉइंट फोर सेवन एम एल ये हमारा फाइनल वॉल्यूम होगा इतने वॉल्यूम हम मिक्स करेंगे हमारे एल्कोहल में तो हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का एल्कोहल का नेक्स्ट मेथड ऑफ कैल्कुलेशन जो है वो है हमारा एलिगेशन मेथड तो कौन कौन सी चीज़ें अभी तक हमने देखी एक तो पर्सेंट बेसिस पे दूसरा वेट डेंसिटी वॉल्यूम के मेजरमेंट पे देन हमारा सल्यूशन जो था वो एक का पार्ट था स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल का एंड देन अब है एलिगेशन मेथड एलिगेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एलिगेशन मेथड हम यूज़ कब करते हैं

ध्यान में बिल्कुल बैठा लीजिए इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए ये ऐसे ही हम एलिगेशन मेथड निकालते हैं जो कि बहुत सिंपल होता है बीच में आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितने परसेंट आपको चाहिए लेफ्ट हैंड राइट लेफ्ट हैंड साइड में आप ऊपर देखेंगे स्ट्रॉन्ग परसेंटेज लिखा है अगर स्ट्रॉन्ग परसेंटेज को रिक्वायर्ड परसेंटेज से आप माइनस कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज आपके हाथ में होगा वैसे ही राइट हैंड साइड में वीकर परसेंटेज को रिक्वायर्ड परसेंटेज से आप माइनस कर देंगे तो आपका रिक्वायर्ड परसेंट आपके हाथ में होगा तो ये एलिगेशन मेथड का सिंपल लॉजिक है डेफिनेशन को रिपीट कीजिए ओके एलिगेशन मेथड व्हेन द कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ ये जो पहली लाइन में पढ़ा हूँ उसको मैं पिक्चर में दिखाता हूँ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेंथ सोल्यूशन एक की स्ट्रेंथ स्ट्रॉग है एक की स्ट्रेंथ वीक है आपको चाहिए ये रिक्वायर्ड परसेंटेज वाला तो पहली लाइन अपनी एलिगेशन की क्या बोल रही है वेन द कैलकुलेशन इनवॉल्व मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ दोनों ही एल्कोहल है बट स्ट्रेंथ एक की स्ट्रॉग एक की वीक है टू प्रोड्यूस द प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बीच का प्रोडक्ट आपको चाहिए तब एलिगेशन मेथड की हमको ज़रूरत होती है ये जब हमको डिटरमाइन करना होता है ओके सो दिस इज दिस वाज द डेफिनेशन अब इसके एग्जाम्पल कैसे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95 फाइव परसेंट एल्कोहल रिक्वायर टू प्रिपेयर 600 हंड्रेड एम एल ऑफ सेवेंटी परसेंट एल्कोहल जो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल नाइन्टी फाइव परसेंट स्ट्रेंथ का एल्कोहल है उसका वॉल्यूम हमको डिटरमाइन करना है कितना बनाने के लिए सिक्स हंड्रेड एम एल बनाने के लिए जिसका स्ट्रेंथ होना चाहिए सेवेंटी परसेंट एल्कोहल सो so, वॉल्यूम कितना है हमको चाहिए कितना 600 हंड्रेड का वॉल्यूम हमको चाहिए इसका अल्कोहल का परसेंटेज इसमें कितना है 70 परसेंट रिक्वायर्ड है हमें अल्कोहल का परसेंटेज और परसेंटेज ऑफ अल्कोहल जो हमने यूज़ किया है वो 95 परसेंट है तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे 95 फाइव माइनस सेवेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी एल्कोहल की और यहां पर वीक स्ट्रेंथ हमको दी नहीं गई है तो जीरो माइनस सेवेंटी करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है ये हमारा वीक और ये हमारा स्ट्रांग एल्कोहल का स्ट्रेंथ है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे सेवेंटी पार्ट ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट एल्कोहल एंड ट्वेंटी फाइव पार्ट ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ एल्कोहल सो उसी क्वेश्चन का कंटिन्यू है यहां पर जैसे ये हम देखेंगे 70 और 95 फाइव तो 70 परसेंट सेवेंटी पार्ट ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट एल्कोहल हियर इज द सेवेंटी पार्ट ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट एल्कोहल एंड ट्वेंटी फाइव पार्ट ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस रिक्वायर्ड वॉल्यूम और ये यहाँ पर ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी द वॉल्यूम जो हमें ज़रूरत है सो क्वान्टिटी ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट एल्कोहल इज़ इक्वल टू सिक्सटी इंटू सेवेंटी अपॉन नाइनटी फाइव दैट इज़ फोर ट्वेंटी टैन एम एलो वन जीरो एम एल ये एल्कोहल की रिक्वायर्ड क्वान्टिट्टी है और वाटर की रिक्वायर्ड क्वान्टिटी क्या होगी सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन इज इक्वल टू वन फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन जीरो हमारे रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वाटर का अब जो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रूफ स्पिरिट कैलकुलेशन का क्वेश्चन हमने एलिगेशन मेथड सोल्यूशन मेथड वेट डेंसिटी बेस्ड परसेंटेज बेस्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए ये कॉमन और यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक्स में हैं जिसके एग्जांपल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल को सॉल्व करके प्रूफ स्परिट कैल्कुलेशन क्या होते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इज़ कैल्कुलेटेड इन प्रूफ डिग्रीज जो भी अल्कोहल होगा जब हम उसका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं तो प्रूफ डिग्री से या प्रूफ स्पिरिट से उसको डिटरमाइन करेंगे द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हंड्रेड परसेंट प्रूफ स्पिरिट इज इक्वल इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन परसेंट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल ये जो प्रूफ स्पिरिट होता है ये 57 सेवन परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल से इसको डिफाइन किया जाता है जिसको हम प्रूफ स्पिरिट बोलेंगे 100 परसेंट इज इक्वल टू 55 फाइव परसेंट फिफ्टी सेवन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द इथाइल अल्कोहल इसको हम हंड्रेड प्रूफ स्पिरिट बोलेंगे जिसमें फिफ्टी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है If the volume is more than 57, then it is said to be overproof. And if the volume is lesser than 57 percent, then it is termed as underproof. सो मल्टीप्लाई द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बाय 1.753 एंड डिडक्ट 100 फ्रॉम द प्रोडक्ट ये प्रूफ स्पिरिट में 1.753 से हमारे स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है ये कहाँ से आता है 57.1 सेवन पॉइंट वन वॉल्यूम ऑफ इथाइल एल्कोहल इज इक्वल टू हंड्रेड एम एल ऑफ प्रूफ स्पिरिट होता है तो वन वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल में हंड्रेड अपॉन फिफ्टी करने से ये वन वॉल्यूम आता है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आगे इसके क्वेश्चन कैसे होंगे एग्जाम्पल्स इसके कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ थर्टी एंड फोर्टी अंडर प्रूफ प्रोडक्ट थर्टी ओवर प्रूफ में क्या होता है वन हंड्रेड प्लस थर्टी दैट इज़ वन थर्टी फोर्टी ओवर प्रूफ में क्या होगा हंड्रेड माइनस ये अंडर प्रूफ आएगा यहाँ पर ओवर प्रूफ लिखा होंड्रेड माइनस फोर्टी इज इक्वल टू सिक्सटी सो एल्कोहल का स्ट्रेंथ क्या होगा हंड्रेड प्लस थर्टी अपॉन वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री सो वन थर्टी अपॉन वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री तो एल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना है 74.15 पॉइंट परसेंट वॉल्यूम नेक्स्ट अल्कोहल के स्ट्रेंथ में हंड्रेड माइनस सिक्सटी करेंगे अंडर प्रूफ जो होगा अपॉन सेवन फाइव थ्री करेंगे तो सिक्सटी अपॉन वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री करेंगे तो थर्टी फोर पॉइंट टू थ्री वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारे एल्कोहल की स्ट्रेंथ होगी सो वॉट इज द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ नाइन्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम बायम एल्कोहल आशुतोष कोई क्वेश्चन है नाइन्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री माइनस हंड्रेड ये हमारा फार्मूला है सो नाइन्टी फाइव हमको परसेंटेज है हमारे एल्कोहल का इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री माइनस हंड्रेड सो वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव थ्री माइनस हंड्रेड दैट इज़ इज इक्वल टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव थ्री ओवर प्रूफ ये फॉर एग्जाम्पल है Uh, आशुतोष कोई क्वेश्चन था तुम्हारा बताओ। ओके। okay. सो so, ये हमारा प्रूफ स्पिरिट कैलकुलेशंस है मल्टीप्लाय द स्ट्रेंथ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल बाय वन पॉइंट सेवन फाइव थ्री एंड डिडक्ट हंड्रेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ये हमको प्रूफ स्पिरिट निकालते समय इसको पुट करना पड़ता है जिसमें ये कहाँ से आया प्रूफ स्पिरिट जैसे आप समझिए इथाइल अल्कोहल के 55 परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रोडक्ट को हम 100 परसेंट प्रूफ स्पिरिट प्रोडक्ट बोलते हैं तो 100 परसेंट प्रूफ स्पिरिट का मतलब होता है उसमें 57 परसेंट इथाइल अल्कोहल मिली हुई है अगर 57 से ऊपर वो जाती है तो हम उसको ओवर प्रूफ स्पिरिट या अल्कोहल बोलेंगे और फिफ्टी से कम एल्कोहल मिली हुई है तो हम उसको अंडर प्रूफ बोलेंगे अब जब हम उसको डिटरमाइन करते हैं वॉल्यूम को निकालते हैं सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे कि कितना एम एल एल्कोहल में कितना प्रूफ एल्कोहल uh, का स्ट्रेंथ प्रेजेंट है तो 1.753 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि 57 परसेंट ऑफ इथाइल एल्कोहल इज इक्वल टू 100 एम ऑफ़ द प्रूफ स्पिरिट तो एक वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो उसका कैलकुलेशन uh, होता है वन अब ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें थर्टी जो है वो ओवर प्रूफ है और फोर्टी जो है वो अंडर प्रूफ है यूपी यानी अंडर प्रूफ और यहाँ ओ नहीं लगा हुआ है ओ पी का मतलब ओवर प्रूफ अब ये ओवर प्रूफ वन थर्टी हो गया और अंडर प्रूफ हंड्रेड से माइनस कर दिए ये ओवर नहीं अंडर आएगा ये थोड़ा मिस्टेक है ये अंडर प्रूफ है तो हंड्रेड माइनस फोर्टी दैट इज सिक्सटी अब एल्कोहल की स्ट्रेंथ दोनों में कितनी होगी 100 प्लस थर्टी किए तब हमारा ओवर प्रूफ हुआ इसको डिवाइड कर देंगे 1.753 से तो 74.1 परसेंट हमारा अल्कोहल की स्ट्रेंथ है ओवर प्रूफ में यानी संतावन जो हम देखे हैं 57 रहनी चाहिए पर हो कितनी गई 74 हो गई और अंडर प्रूफ में कितना है उसको 40 से माइनस करेंगे 100 को तो 60 अपॉन 1.753 पॉइंट सेवन फाइव थ्री देट इज़ थर्टी तो रहना कितनी चाहिए फिफ्टी और हो कितनी गई थर्टी तो ये हमारा अंडर प्रूफ सोल्यूशन है और ये हमारा ओवर प्रूफ सोल्यूशन है क्लियर है आशुतोष ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 परसेंट एल्कोहल का है बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला परसेंट स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू 1.753 माइनस 100 वही फॉर्मूला है सेम बस क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा है आपको यहाँ पर प्रूफ स्ट्रेंथ 95 परसेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है एल्कोहल कितना प्रेजेंट है तो 95 फाइव इंटू करेंगे तो हमारा सिक्सटी पॉइंट फाइव थ्री ओवर प्रूफ सोल्यूशन आएगा क्योंकि वन सिक्सटी सिक्स हमारा प्रोडक्ट आ रहा है तो हंड्रेड से माइनस करने पे सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव थ्री हमारा ओवर प्रूफ आएगा एल्कोहल की स्ट्रेंथ अब ये हमारा नेक्स्ट जो है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हम आइसोटोनिसिटी निकालते हैं हमारे सॉल्वेंट की आइसोटोनिक मतलब जो हमारे बॉडी के पीएच के इक्वल होता है जो हमको इरिटेटिंग इफेक्ट नहीं होता अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन से ऊपर कोई प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ होगा तो उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे और आइसोटोनिक से नीचे किसी प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ होगा तब हम उसको आइसोटोनिक हाइपोटोनिक प्रोडक्ट का सोल्यूशन बोलेंगे ये तीन अगर सपोज तीन हमारे मेज़र्स हैं नीचे वाला हाइपोटोनिक बीच वाला आइसोटोनिक ऊपर वाला हाइपरटोनिक तो हम इसको देखेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन को दे आर द एसोटॉनिक सोल्यूशंस आर विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और इक्वल सोल्यूट कंसेंट्रेशन ऑस्मोसिस की प्रोसेस हम जानते हैं लो से हाई कंसेंट्रेशन में सेमीपर्मेबल मेमरे से जाना तो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है जितने सोल्यूट जो है वो दोनों तरफ इक्वल होंगे इक्विलीब्रेम की स्टेट में होगा जीरो पॉइंट नाइन परसेंट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू पास द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हैंस इट इज स्टैंडर्ड सोल्यूशन विच इज एसोटोनिक विद द ब्लड प्लाज्मा 0.9% को आइसोटोनिक जाता है ये competitive exam में frequently पूछा गया था इससे ऊपर या नीचे की स्ट्रेंथ होती है तब हम उसको हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक बोलेंगे एनी कंसेंट्रेशन अब दिस इज कंसिडर्ड एज हाइपरटोनिक एंड बिलो दिस इज कंसिडर्ड एज हाइपोटोनिक सोलूशन सो एग्जाम्पल फ्रीजिंग मैथड एक इसका मैथड डिटरमाइन करने का आइसोटोनिक सोल्यूशन का इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस नीडेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू माइनस पी एस एम इंटू ए ब्रैकेट क्लोज अपॉन बी वॉट इज पी एस एम परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ मेडिका आपकी जो ड्रग है उसमें कितना परसेंट ड्रग अवेलेबल है ए इज द फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज अनएडजस्टेड सोल्यूशन एंड बी इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी जैसे एग्जाम्पल देखिए हाउ विल यू प्रिपेयर वन परसेंट सोडियम सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोमेट्रिक विथ ब्लड प्लाज्मा इसमें हिंट क्या क्या दिया है आपको फ्रीजिंग पॉइंट दी हुई है वन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड की जीरो पॉइंट टू एट एट डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वन परसेंट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज जीरो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स डिग्री सेल्सियस ये दोनों चीज़ आपको दी हुई है तो परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको निकालने कैसे करेंगे जीरो पॉइंट फाइव टू माइनस पी एस एम इंटू एट क्लोज अपॉन बी ये जीरो पॉइंट टू एट एट हमारे मेडिका का वॉल्यूम जो है बॉरिक एसिड सो जीरो पॉइंट फाइव टू माइनस वन इंटू जीरो पॉइंट टू एट एट ए हमारा ये फ्रीजिंग पॉइंट परसेंटेज है और यानी बॉरिक एसिड हमको बनाना है एक परसेंट सोल्यूशन तो ये वन यहाँ आएगा जीरो पॉइंट टू एट एट जीरो पॉइंट फाइव सेवन सिक्स तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट फोर जीरो टू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम दैट इज वन ग्राम ऑफ बॉरिक एसिड इज नीडेड फॉर जीरो पॉइंट फोर जीरो टू ग्राम ऑफ एन एल टू बिकम आइसोटोनिक ये प्रोडक्ट बनाने का सिंपल कैलकुलेशन है